हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी। हेलो गाइस, मैं हूँ रश्मि, वेलकम टू माय चैनल रश्मि की दुनिया। और अभी हम लोग आए हैं अपनी आईज दिखाने, क्योंकि दो दिन से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमको लगा कि एक बार अपनी आईज डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो हम आए डॉक्टर को दिखाने, तो हम आए यहाँ ये डॉक्टर को दिखाने, और पीछे से बहुत ही ज़्यादा कुछ गाने वाने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी कॉल करके देख रहे हैं खुला होगा नहीं खुला होगा, फिर देखते हैं दिखाते हैं। सर यहाँ है पर यहाँ नहीं है, कहीं और बता रहे हैं। वो कौन सी जगह? कोई और जगह बताई है। तो अभी वहाँ तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं पहले से, रुक जा यार। तो देखते हैं कब दिखा पाते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं, लेकिन हमको लग रहा था थोड़ा आईज में जैसे नंबर बढ़ गया हो कुछ ऐसा, क्योंकि दूसरा स्पेक्ट बनवा रहे, तो एक बार लग रहा था कि अच्छे से आई चेकअप करा लेते तभी पता चलेगा। और इनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इनको पानी आता है आंखों से, तो इनको, और मेरी नाक अभी भी ठीक नहीं हुई है, बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में। तो वहाँ तो हम नहीं दिखा पाए थे, उसके बाद हम लोग आ गए थे लेंसकार्ट। लेंसकार्ट पर चश्मे बहुत अच्छे मिलते हैं, और यहीं पर आई चेकअप भी हो जाता, तो हम लोगों को लगा था कि चलो आई चेकअप तो करा लेते हैं, डॉक्टर को फिर दिखा लेंगे। तो वही मैं अपने लिए स्पेक्स सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा ठीक रहेगा, तो वही कर रही थी। उसके बाद पहले विक्रांत ने अपनी आई चेकअप कराया था, उसके बाद मैंने कराया था, क्योंकि तुविक्ष को वही पकड़ना था, तुविक्ष को बाहर फोन दे के बिठा दिया था, अदरवाइज वो बैठ ही नहीं रहा था। फिर वहाँ पर ये पास में एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट क्या मतलब एक मिठाई की शॉप थी, ऊपर ही उन्होंने रेस्टोरेंट ऐप का बनाया हुआ था। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, पहले डॉक्टर के गए थे फिर यहाँ पर, तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो हमको लगा था कि चलो यहीं पर कुछ खाकर चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक थाली हम लोगों ने मंगा ली थी, और तुविक्ष का बहुत मन था, नूडल्स मंगा लिए थे। यही ओम मिठाई करके था, ये गुड़गांव सेक्टर 50 में, बहुत अच्छा था। आप लोग भी कभी जाओ तो बहुत मतलब ट्राई करना। और ये यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा था, ओपन टाइप का मार्केट था, सारे जितने भी ब्रांड वगैरह होती हैं तो सारे सारे थे यहाँ पर। तो बस काफी खाना खा लिया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। हम शेक पी रहे हैं, तो भी मुझे दे दो। नो। तो अभी हम लोगों ने अपने स्पेक्स जो थे चश्मे आई साइड वाले वो दोनों सेलेक्ट कर लिए थे, अब वो घर पर ही डिलीवर होंगे, वो पूरा लेंस वेंस लगकर। और थोड़ा बहुत कुछ खाया था, क्योंकि घर जाके लगा फिर क्या ही बनाएंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ कुछ खा लिया था, तो एक थाली थी तो वही ले ली थी, और तो विक्ष के लिए नूडल्स ले लिए थे, और बस थोड़ा बहुत घूमे, फोटो वोटो खिंचाए, और जो काम था वो कर ही लिया। मतलब डॉक्टर को तो नहीं दिखा पाए, लेकिन लेंस कार्ड में ऐसा होता है कि वहीं आप चेक करा सकते हो आईज, तो वो चेक करा लिया था। और बस उसके बाद थोड़ा सा नंबर बढ़ा है मेरा भी, माइनर ही मेरा बढ़ा है, माइनर ही विक्रांत का बढ़ा है, तो हम दोनों का थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और घर यहाँ से मुझे लग रहा है आधा घंटा करीब हमको लगेगा, क्योंकि हम आए थे सेक्टर 50 गुड़गांव में, तो यहाँ से घर जाने में आधा घंटा लगेगा। और तुविक्ष ने करी है बहुत सारी मस्ती वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भगा जा रहा था हम जब फोटोज खिंचा रहे थे, और उसने अभी कर दिया लाइट ऑन की मम्मी लाइट कम पड़ रही है तो लाइट ऑन कर दो। तू भी कितनी मस्ती करी आपने बताओ, आज यहाँ पर बताओ, इसमें बताओ आपने कितनी मस्ती करी। तो विक्ष इधर बताओ ना बेटा, कितनी मस्ती करी और क्या खाया आपने, क्या खाया था ये बताओ। तो बस अभी घर जाके मिलते हैं, घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। खत्म करो, मिलने वाली की बात है। No, the vlog is finished for today. अरे नहीं, छोटा सा ही हुआ है। छोटा सा तो घर तक कैसे करोगी, लंबा था। और देखो ये मैंने आज लिपस्टिक लगाई हुई है, उसका राज भी बता देती हूँ आपको। किसकी है ये लिपस्टिक? लिपस्टिक किसकी है? उसकी है। क्या था वो? माइग्लैम की। माइग्लैम, हाँ उसकी लिपस्टिक है। उसका भी राज मैं आपको बताती हूँ। आज सुबह सुबह पार्सल रिसीव हुआ मुझे, मैंने कहा यार ये पार्सल क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी खोलने लगी, तो जब खोलकर मैंने देखा तो उसमें था, क्या हुआ तुम्हें? अभी रुको, अब डायपर में कर लो, यहाँ कहाँ कराएंगे बेटा। तो फिर वो जब मुझे पार्सल दिखा, मैंने कहा लिपस्टिक, मैंने कहा यार तुमने मेरे लिए लिपस्टिक कैसे मंगा ली। तो लिपस्टिक जब पता चली, मुझे पक्का श्योर था, मैंने कहा यार ये तो क्या किसी ऑफर पर होगी या फिर पक्का श्योर, पक्का तो पक्का ही श्योर ही होता है दोनों, या फिर कोई डिस्काउंट भी मिली होगी। इन्होंने मुझे एक घंटे तक नहीं बताया कि नहीं 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 400 रुपए की है, नहीं नहीं 400 रुपए की है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जब मैंने इतना बहला के पूछा तो इन्होंने बताया 100 रुपए की मुझे ऑफर पे मिला। मैंने कहा मुझे भरोसा था, पूरा यकीन था कि ऑफर पे मिली होगी तुमने मंगाई है।
तो बस अभी कर रहे हैं ड्राइव, तो मैं घर जाके बात करूंगी और घर जाके बताऊंगी कि इन्होंने वो लिपस्टिक किस खुशी में मंगाई थी, क्योंकि अभी ड्राइव कर रहे थे और ड्राइव करना बात करना ठीक नहीं है, घर जाके मिलते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पर, खाना वाना खा के देखा कि कितना टेस्टी खाना खाया, और मैं आपको बता रही थी वो लिपस्टिक वाला, वो क्या था लिपस्टिक वाला, लिपस्टिक वाली बात बता रही थी। तो विक्रांत बताएंगे कि उन्होंने क्यों मंगाई थी, क्यों मंगाई थी आपने वो लिपस्टिक मेरे लिए, क्यों मंगाई थी, सही सी बताना पब्लिक को कि फ्री में मिल रही थी, कितना डिस्काउंट मिला, कि कैसे मिली। अरे नहीं, मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है कि कुछ मंगाया नहीं है, तो फिर ऐसी ऑनलाइन मेरे को दिख गई, मैंने चलो अच्छी चीज है कुछ। कितने रुपए की आई? ऐसी आई है कुछ 350 के आसपास। ये झूठ बोल रहा है पब्लिक, 350 की नहीं थी। मैंने इनका फोन चेक करा तो उसमें दिख रहे थे 100 रुपए। मुझे पूरा यकीन था कि वो पक्का इतने रुपए की आएगी, तभी इन्होंने ये मेरे को मंगाई थी। देखो चाहे वो 100 की हो चाहे 350 की, उसमें 400 रुपए लिखे हुए थे, तो उसकी जो एक्चुअल वर्थ है वो 400 रुपए थी। अब डिस्काउंट तो मिलती रहते हैं आजकल दुनिया में, और फिर तुम बताओ तुमने लगाई तो अच्छी थी ना, वो लग रही थी ना वो कि अच्छी क्वालिटी की लग रही थी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ऐसे मंगा ही नहीं सकते। मुझे पूरा भरोसा था कि वो डिस्काउंट पर मिली होगी, तो इनको लगा चलो अरे यार उसका भी मन खुश हो जाएगा, चल एक लिपस्टिक ही मंगा देता हूँ, ये सोचा होगा तुमने। यार इसमें तो समझदारी है, 400 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल जाए तो और क्या चाहिए, 400 की 500 मिल लो तुम, तो इसमें कोई समझदारी है? हाँ यार, तो इसमें भी ये समझदार नहीं है कि बीवी को पागल बनाऊ, बीवी को असलियत बताओ कि हाँ भाई 100 रुपए की लिपस्टिक है ये। अरे मैंने तो बताया नहीं कितने रुपए की, मैंने तो बोला लिपस्टिक आई है तुम्हारे लिए, अब ये कितने की है कितने की नहीं है। तो ये था उस लिपस्टिक का किस्सा यार, लेकिन सच में लिपस्टिक बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। माई ग्लैम की अच्छी थी, और 100 तो अब हर किसी को 100 में मिल जाएगी अभी। अरे नहीं, वो गूगल पेपर आते हैं, वो कूपन। हाँ गूगल पेपर को कूपन अगर आते हैं, बट बहुत अच्छा था रिव्यू, अगर मेरे अकॉर्डिंग कहूँ तो बहुत ही अच्छा था। और शेड अगर आपको पूछना कौन सा शेड था तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और मन हो तो कमेंट कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना।